नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। अमेरिका रे बाइडेन हारिस जुग आरंभ 46वां राष्ट्रपति भावे शपथ ग्रहण कले जो बाइडेन प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भावे शपथ नेले भारतीय वंशोद्भव कमला हारिस। अमेरिका नुआ राष्ट्रपति जो बाइडेन को अभिनंदन जनाइले प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति कमला हारिस को भी देले शुभेच्छा ट्वीट करि कहिले अमेरिका भारत भितर संपर्क हेब सुदृढ़। चाषी आज संबलपुर में बीजेपी विशाल समावेश टोकन मंडी समस्या नहीं आरडीसी ऑफिस घेरब संख्या कमाइबा पर राज्य कृषक सम्मान निधि योजना तालिका देन। आज बिना कोविड रिपोर्ट रे जगा दर्शन रत्न सिंहासन में श्रीजीव दर्शन करेंगे भक्त आनंद बजार महाप्रसाद सेवन पर कटक बलवत्तर एवं खोलिला पावरफुल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक पोल मंत्री बोहू मिछ कहते कामाख्या नगर कॉलेज रे पूर्वतन अध्यक्ष दरमा नहीं क्लास करते भू लिप्सा प्रधान कॉलेज रुसा फंड भी अनियमितता। संपूर्ण खबर को आसीबा अमेरिका रे आज नुआ अध्याय सहित बाइडेन हारिस जुग आरंभ हो 40वां राष्ट्रपति भाव शपथ ग्रहण करिसेंति जो बाइडेन। बाइडेन को सहित भारतीय वंशोद्भव कमला हारिस देशर प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भाव शपथ ग्रहण करिसेंति। तेबे प्रथमे उद्बोधन देथिले बाइडेन एवं निजर प्रथम उद्बोधन रे कहिसेंति जे अमेरिका गणतंत्र रो विजय होईछि जनसाधारण नुआ इतिहास सृष्टि करिसेंति जेकोणसी जटिल परिस्थितिरु मुकुळे आसिबार क्षमता आम गणतंत्र रे रहिछि। एबे संकट समय देश एकजुट रहिछि एवं आगको मध्य सबु क्षेत्र रे आमको एकता बजाय रखिबा पई पडिबो बोली बाइडेन कहिसेंति। Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart, and I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime and service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us.
अमेरिकार 46तम राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं जो बाइडेन को अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री मोदी से भली अमेरिकार प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं भारतीय वंशोद्भव कमला हारिस को शुभेच्छा जनाई प्रधानमंत्री ट्वीट कर ऐतिहासिक मुहूर्त कमला हारिस अमेरिकार उपराष्ट्रपति अमेरिका और भारत भितर संपर्क आहुरी अधिक सुदृढ़ हो संबलपुर छिंडुनी मंडी समस्या चाषीों पर आज संबलपुर बीजेपी कर विशाल समावेश टोकन मंडी समस्या नहीं आरडीसी ऑफिस घेर दल संख्या कमाइबा परे राज्य कृषक सम्मान निधि योजनार तालिका देउनथवा अभियोग करिछि बीजेपी राज्य सरकार हिताधिकारी संख्या कमाउछन्ती प्रथमे 40 लक्ष चाषी थिले एबे 10 लक्ष हेला केमिति बोली प्रश्न करुछि बीजेपी ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई सीधासलख आम प्रतिनिधि मलय भोई संबलपुर जोड़ी होती आम सहित मलय आज आरडीसी ऑफिस घेराव चाषी जहाँ समस्या रही प्रति भ्रुक्षेप करूना राज्य सरकार ये अभियोग आमना को कौन अपडेट आसुची निश्चित भाव देखो सुधीर लगना आज आई समय पर दिन 10:30 समय बीजेपी पक्षर पश्चिम ओडिशा बीजेपी पक्षर सारा पश्चिम ओडिशार 5 संसदीय क्षेत्र व 37 विधानसभा क्षेत्र समस्त चाषी बीजेपी कर्मी संबलपुर एकजुट हे और पखापाखि 10:30 समय यही स्थान में वर्तमान समय जो विशाल समावेश हे तावर्त समय एठूर बजार रैली बाहर और जो रैली मध्यम संबलपुर उत्तरांचल राजस्व कमिशनर ऑफिस को आरडीसी ऑफिस को गोटे प्रकार घेर कहीं वर्तमान समय आप जानते सारा राज्य में पश्चिम ओडिशा मुख्यतः जानते मंडी में बहुत समस्या लगे चाषी जिते बिल धान बिक्री आरंभ कला से ही समय विभिन्न प्रकार सरकार का जो नियम रही ताकू ही गोटे प्रकार बाधा सृष्टि करे चाषी को धान बिक्री करने या को बीजेपी बीजेपी या को लेकिन आज वर्तमान समय सरकार को घेरब तो निश्चित पक्ष देखा एषी को अनेक समस्या रही आप जानते पूर्व मतलब जो टोकन टोकन समस्या कह कटनी छटनी कथा कही विभिन्न जो समस्या रही कौन धान चाषी धान के निर्णय कर तार विभिन्न जो समस्या रही ताकि आज बीजेपी गोटे प्रकार तार बड़ समावेश कर समावेश परवर्त समय आरडीसी घेरा कर पूर्वर संबलपुर तथा बरगढ़ बलांगीर सोनपुर विभिन्न जो अंचल धान वर्तमान समय पड़ रही हजार हजार बर्ष धान वर्तमान समय टार्गेट नथिबा जो धान उठी पारे या को लेकिन अनेक थर भारतीय जनता पार्टी राजा रास्ता को अवरोध करता कि जगह ए विजुअल दर्शक बंधु को देखेलु जे शीत राति रे केमती धान बस्ता जगी चासी राज रास्ता रे मंडी सामना रे पड़ी रही एवं से दृश्य एक अभावनीय दृश्य थिला बारंबार चासी को समस्या सामना को आसुची तार कौनसी गोटे निष्कर्ष बाहर करबा समाधान पंथा खोजिबा बदल रे ये जो बीजेपी प्रश्न करिछु जे 10 लाख हेला केमिति जहां पूर्वरु 40 लाख चासी थिले बोली दर्शा जाईतिला ये मध्य एक गुरुतर प्रश्न वर्तमान समय रे निश्चित प्रकार तुलना देखो जे वर्तमान आउ किछि दिन परे मंडी मध्ये बंद हेबो कहीं वर्तमान समय धान बहुत धान बिका वर्तमान समय शेष समय वर्तमान समय पहुँची आसे कि समय अनेक चाषी का वर्तमान समय मंडी धान पड़ अच्छे टार्गेट नथिबा जोगु धान उठी पड़े आप जानते प्रत्येक जिलार सीएसओ कौन से प्रकार पदक्षेप नहीं पारती जहाँ को लेकिन आज बीजेपी तार बीजेपी या को लेकिन आज घेराव कर पूर्वर मध्य आप जानते हैं संबलपुर जेल भरो आंदोलन होता से कौन से प्रकार समाधान बाहर नाला कि वर्तमान समय सारा पश्चिम ओडिशा बीजेपी एकजुट होती जो वर्तमान समय जो कार्यक्रम रही जो चाषी समावेश रही एखापाखि 35 विधानसभा क्षेत्र समस्त बीजेपी कर्मी चाषी आंदोलन में सामिल हे और आरडीसी को घेरबे ए जो अच्छा जो सामिल हे राज्य बीजेपी राज्य सभापति समीर महांत सामिल हे विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक सामिल हे कि विभिन्न प्रकार आप जानते हैं पाखापाखि समस्त बीजेपी कर्मी चाषी सामिल हे जो चाषी को जो समस्या रही ताकू नहीं कि आज गोटे प्रकार बीजेपी बड़ आंदोलन कर जो आंदोलन द्वारा बोध हुए सरकार चेतवे जो चाषी को जो समस्या रही चाषी को जो दीर्घ समस्या रही समाधान कर बर्तमान समय बीजेपी आशा कर आंदोलन प्रभाव पड़ो एवं चाषी मान समस्या समाधान हो
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଶୋଉଛି, ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନକୁ ଜଗୁଛି ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସମୟ ଶୁଣିବେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସମାବେଶରେ ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ, ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାଣିବ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କିଭଳି ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବେ ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାର ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମସ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଆଶା କରିଛି ଯେ ସରକାର ବହୁତ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଜେପି ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ବିନା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବ। ପ୍ରାୟ 30,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପି କିନ୍ତୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରୀରେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଅନୁମତି ଥିଲା, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏମିତି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରାଚୀର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ବିନା କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା ଢେର ସାରା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର କହିପାରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁହାକୁ ତୁହା ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତେ ଜମି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀବାସୀମାନେ ନିଜର ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଟିବା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କେ ଲିଏ ଆପ ନହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନହିଁ ଦର୍ଶନ କିଆ ହୁଏ 10 ମହିନା ହୋ ଗିଆ, ଆଜ ଆପକେ ଲିଏ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ ଆପ ଯା ରହେ, କିତନେ ଖୁସି ହେ ମନ ମେ? ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା, ବହୁତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନହିଁ କିଏ 10 ମନ୍ଥ, କିତନା ଦୁଃଖ ହୋ ରହା ଥା ମନ ମେ? ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା। କହାଁ ସେ ଆଏ ଆପ? ହମ ହୈଦରାବାଦ ସେ। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାର୍ କିଆ କହେଙ୍ଗେ କିତନେ ଖୁସି ଆଜ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ କା କୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ନହିଁ ହେ? ଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେ, ହମ ଲୋ ବହୁତ ଦିନ ପେ 10 ମହିନା ହେ ଆନେ କେ ଲିଏ ସୋଚ ରହେ ଥେ, ଲେକିନ ଆ ନହିଁ ପା ରହେ ଥେ କୋଭିଡ୍ କେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ। ଆଜ ହମ କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେସେ ଦେଖ ରହେ ହେ? ବହୁତ ଅଛି ହେ, ବହୁତ ଅଛି ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଆପଣ ଯାହା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏହାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ସେତିକିରେ ସରିଯାଇନି, ଏମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବା ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ନଥାଇପାରେ। ତ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାନ୍ଦିବାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ। ତ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ଏକ ଖୁସି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଲୋକ? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ହେଲା ନାହିଁ,
पवित्र नागार्जुन बेश मध्य ऐतिहासिक होला आपण जानिछते बिना भक्त पवित्र रथयात्रा होला बिना भक्त महाप्रभु छब्बीस वर्ष पर पड़ा दुर्लभ नागार्जुन बेश अनुष्ठित होला। तो निश्चित भाव में आज मध्य गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त आपण मानक सीधा सड़क दृश्य देखिए जो प्रशासन व्यवस्था कथा आप पचारे निश्चित भाव में मार्केट छक ब्यारिकेटिंग व्यवस्था आरंभ हो सका सतुटर जो सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था आरंभ हो मार्केट छक समस्त भक्त श्रद्धा श्रृंखलित भाव में आसवे और सब बड़ कथ हो स्मृति लग्ना एटी मास्क परिधान एवं सोशल डिस्टेंसिंग ऊपर बेस गुरुत्व दी जाएगी एवं थर्मल स्क्रीनिंग ऊपर मध्य बेस गुरुत्व दी जाएगी जो जो भक्त श्रद्धा मानक थर्मल स्क्रीनिंग 100 डिग्री टेम्परेचर उपर आसो से मंदिर को छड़ा जीवन नहीं कहना आशा करना कोरोना संक्रमित अच्छा निश्चित भाव में जो व्यवस्था कर प्रशासन द्वारा समस्ते यहाँ स्वागत करेहेतु श्रीमंदिर भितर प्रबल भक्त गहली हबार जथेष संभावना रही आम कहीपर कि भाव में पर्याय पर्याय क्रमे भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करेंगे से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था कराई सबुठ बड़ कथा हूँ श्रृंखलित व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्राधान्य दी प्राय 26 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन अच्छा श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखर दृश्य देखु जिते स्मृति लग्न समय बढ़ी चलती भक्त श्रद्धा मैंने सेत आसुंच कारण समस्ते आज यही दिन को अपेक्षा करते कितने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हटव केतेबेले जगा दर्शन पर बाट पिटव निश्चित भाव से दिव्य मुहूर्त आसी रत्न सिंहासन महाप्रभु को दर्शन कर दिव्य अनुभूति बड़ दंड को चल चंचल कर रत्न सिंहासन श्रीजी को भक्त दर्शन कर एवं समर्पण मनोभाव बड़दाण्ड में पहुँचला परे खुशी रे गदगद हो जाउछन्ति हाथ ऊपर को करी नमस्य करुछन्ति ये एक ऐतिहासिक मुहूर्त जहाँ 9 मास 10 मास होई जीव अपेक्षा करी रही थे भक्त माने जे भगवान को केबे देखिबु बहुत बहुत धन्यवाद आलोक समस्त सूचना पाई। खोलिला पावरफुल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक पोल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक चलाउथले कामाख्या नगर कॉलेज आ पूर्वतन अध्यक्ष अरविंद कांत राय थिले मोहरा मंत्री बहुपाई मिछ कही अध्यक्ष तबे घटनार खुलासा करथिबा आरटीआई कर्मी को हत्या धमक मध्य दिया जाउछि जहां परे से सुरक्षा लड़ुछन्ति सब जहाँ मंत्री सब कथार एणु बिना मंत्री अग्रजर आम कि करूनाई मंत्री सब जनईचु मंत्री कही तुम तुरंत किसी पैसा पत्र नहीं बस जाओ ना तुमको जीवन में मार दिया। मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक चलाउथिले कामाख्या नगर कॉलेज पूर्वतन अध्यक्ष अरविंद कांत राय थिले मोहरा मंत्री बहुपाई मिछ कही अध्यक्ष पिला अपेक्षा करथिले क्लास जुलोजी मैडम आसुनथिले दरमा नेइछंती हेले क्लास करिनाहंती लिप्सा प्रधान एवे सुरक्षा मागुछंती खुलासा करथिबा आरटीआई कर्मी खोलिला पावरफुल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक पोल हेले खुलासा करथिबा कामाख्या नगर आरटीआई कर्मी एवे भयभीत से तांकर सुरक्षा पई अनुरोध करिछंती ता सहित ए अभिजोग आनिछंती कामाख्या नगर रे चलीथिला मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक राज तांकर इशारा रे काम करथुले पूर्वतन अध्यक्ष अरविंद कांत राय आ मंत्री बहुं मिछ भी कहले बहुपाई मिछ भी कहते सेतेबेलर कॉलेज अध्यक्ष अरविंद कांत राय देखु आरटीआई तथ्य को कामाख्या नगर कॉलेज रो उत्तर 2016 रे लिप्सा प्रधान उत्कल विश्वविद्यालय रे पीएचडी पाई जाइथिले हेले उत्कल विश्वविद्यालय रो दस्तावेज कहुछि 2016-17 लिप्सा प्रधान ना रे केही एडमिशन नै नाहंती कामाख्या नगर महाविद्यालय रो सूचना अधिकारी मत उत्तर दे लिप्सा प्रधान जिओलोजी विभाग लिप्सा प्रधान पीएचडी करिया पीएचडी कार्य नियोजित अच्छा ये बर्तमान मो जीवन प्रति विपद अच्छी मुझे अनुमान करुच्ची कारण विभिन्न लोक धमक फमक आरंभ कले मुझे किसी भविष्य में मोर विपद आसे कि असुविधा हुए से जो मान मागिजी से दायी रही है सरकार दायी रही खाली मंत्री बहु कलेज न आसी दरमा नहीं ना ता सहित कॉलेज रे रुसा फंड रे व्यापक अनियमितता भी अभियोग आसी रुसा फंड रे आसी अर्थ को अन्य काम रे लगा जाइछे बिना टेंडर रे क्लासरूम काम होइछे पूर्वतन अध्यक्ष तांका पत्नी को नारे भी अर्थ आत्मसात करितबार होइछे अभियोग एने मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक को टार्गेट करिछे कामाख्या नगर बीजेपी छात्र मानको आगामी दिन रो भविष्य जो माने देशर से मानको गठन करिया कथा किंतु पाठ न पढ़े जो भाई भाव में पब्लिक मनी को नहीं तुषारपात करें दृढ़ भाव निंदा करुचु एवं
जो वर्तमान जो लोकायुक्त जो वर्तमान इन्वेस्टिगेशन कलेनी ताकु ठीक भाव परिचालना ठीक भाव चलने सी वर्तमान इस्तफा दिंतु यहाँ हूँ भारतीय जनता पार्टी कथा यहाँ बहुत निंदनीय कथा कारण मंत्री सी खणि मंत्री एत बड़ दोष विरुद्ध जावा यहाँ ठीक नुह यार उच्च स्तर तदंत हेले जना पड़ जे दोष कौन बा या भीतर कि आउ किए किए अच्छा बा कॉलेज कर्तृपक्ष किए किए अच्छा से मानक ना रे केस हवा दरकार से मानक बहिष्कार करिया दरकार पावरफुल मंत्री बहुबोली कौन सब माफ पिला टंकारे दरमा ने हेले क्लास कले ना लिप्सा प्रधान एवं लोकायुक्त तदंत उपरे नजर कामाख्या नगर रु सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गुरुडी छाटिया समवाय स्काम को नहीं सोसाइटी कर्मचारी चांचल्यकर बयान दुर्नीति पछरे रही मंत्री संप्रति एभली कि चेक रे फेक दस्तखत करने बाध्य करुथिले चेयरमैन आ विरोध करिबारु चाकरी रु विदा करा जाइथिबा अभियोग होइछि तबे 200 कोटी रो बड़ ठकी पछरे किए रहिछि काहे कि करा जाउनि तदंत ताकु नै बड़ प्रश्न मते जो काम करिया कहले मु से काम राजी हेलेनि कोन से सब काम जाल जाल दस्खत मस्खत करिया कहले कले फेणी आउ मु ता फर्दर न करिवारु मो पर ये कले आउ प्रेसिडेंट पदी महांती रंजन आचार्य आमर राजा खोलिला गुरुड़ी छाटिया समवाय स्काम गुमर ऑफिस कर्मचारी कहिले जाल दस्तखत पाई पड़ुथिला चाप जोगाण मंत्री राजा स्वाई नारे आणिले सांघातिक अभियोग आठगोट गुरुड़ी झाटिया समवाय स्काम ट्विस्ट 200 कोटी रो बड़ ठकेर गुमर खोलिले ऑफिस पियन कहिले बड़ ठकेर बड़ बड़िया संप्रति छ गाँव सोसाइटी पियन कहते जाल दस्तखत करने चाप पड़ुला सोसाइटी चेयरमैन आरंभ कर खोद मंत्री राजा स्वाई संप्रति से अभियोग आनी चूल जाए दुर्नीति संप्रति अभियोग आनीजर बुक रे जाल दस्तखत न करू चाकरी विदा कर अभियोग आनी बाध्य करती जो कम नक से कम कला मत विदा कर चेक दस्खत करने कहते कली आउ फर्दर न करू मत बाहर कर पदी महांती आ रंजन आचार्य राजा भाई तुम ना उठ तुम पैसा खाई जाइ लोक ना मुझे खाई चेयरमैन खाई पदी महांती खाई राजा ही अच्छा दुई भाई मिलीमिशी जो भाई भाव में केड़ांकरी करोटि कोटी, कोटी टंका आज्ञा जोटा कि आठगड़ तिगिरिया निर्वाचन मंडल में 200 कोटी टंका आज्ञा स्काम जेहेतु ये निजे समवाय मंत्री अच्छा जाणीशु से तदंत रिपोर्टा को चापी दौंट कहीं डरुंच सम्मुखीन हाँपाई नवीन बाबू सी हूं निर्मल स्वच्छ शासक सी निष्पत्ति ने कहकर निष्पत्ति सब जी दुर्नीति कर दुर्नीति की जीरो टलरेन्स मोर आशा विश्वास राजाबाबू एथरक मंत्रिमंडल विदा होती अनेपटे न्याय पाई मंत्री राजा स्वाई इस्तफा दावी कर ठकईर शिकार होता चाषी एपरिक नौजन ना देस तलू एतला होते एजाए कार्यानुष्ठान सुन जहाक नहीं ताति 26 टी सोसाइटी चाषी चाषी अभियोग न्याय पाई स्वर उठाइबारु मिछ केस रे फसा जाउछि राजा बाबू को कही कही सी भी शुणिले शेष क्वार्टर से जगिलु से भी शुणिले शेष निजे जाइल आत्माहुति देवाई सेठ धारिक आत्माहुति देला भितर आमको पुलिस उठे आईले उठे आणवर यही जिनसा डिक्लेयर होवर राजा स्वाई लोक लगे मत नहीं चाषी आज कहीं देखलु ये जिनस कहीं आमको आजा स्वाई जेल खटेला 13 दिन 14 दिन सुनरे डाली भात खुआला कहीं आउ एम जी लड़ब आगक जाविया करेंगे बोली राजा बाबू आमको देखेदेले बाट आगू निश्चिंत राजपथ जगिकी आम आत्महत्या करूँ कौन करूँ आम तो सुझीपरूनी एत टाँग कहीं जीवन रखू 3 लक्ष 2.5 लक्ष टा किए टा किए खाली मिछे आम ना से उठे आज ये कर पुलिस उठेदे आमको कहले कौन आत्माहुति करें कहलु राजा बाबू एमती एमती आम लक्ष अध टाँह मो बही 175,000 टाँग उठे आम कथा किसी बुझुना
ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଣ କରୁଛ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିକି 9 ମାସ ହେଲା ଲାଗିଲା ଏକା କିଛି ଆମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ କିରୋସିନ ଢାଳିଛୁ ଡିଆସିଲି ମାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବେ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମ୍ର ହେବ ତଦନ୍ତ, କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପିଅନ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା କେତେ, ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ କାଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।